हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भारती स्वागत करती हूँ फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स बिजनेस को स्टार्ट क्यों करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदा है, इसमें प्रॉफिट कैसे होगा, हमें करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन कि कैसे आपको बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, क्यों हमें फ्लाई ऐश ब्रिक्स का बिज़नेस करना चाहिए, उसको करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान। दोस्तों लोकेशन की बात करें, अगर हम फ्लाई ऐश का बिज़नेस करते हैं तो फ्लाई ऐश कहाँ से आएगा। दोस्तों वो आता है थर्मल पावर प्लांट से निकली हुई राख को ही फ्लाई ऐश कहा जाता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 250 किलोमीटर के आसपास थर्मल पावर प्लांट है या नहीं जहाँ से आप फ्लाई ऐश ले सकें। दोस्तों अब हम बात करें इसके अंदर जगह की। तो दोस्तों जगह के लिए आपको 1 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों मशीन तो छोटे से स्तर में लग जाएगी, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को सुखाने के लिए जगह चाहिए रहेगी, वो आपको 1 एकड़ ज़मीन की जगह चाहिए रहेगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ब्रिक्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और इसके अंदर कितने में ब्रिक्स बन करके तैयार होगी, कितने का प्रॉफिट होगा, मशीनरी का पूरा प्रोसेस, जहाँ हम बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पानी की सुविधा आपको मिलने वाली है, इन सब की पूरी जानकारी। दोस्तों रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स को बनाने के लिए फ्लाई ऐश चाहिए होता है 55 से 60% आपको फ्लाई ऐश चाहिए रहेगा। सेंड या स्टोन चिप्स हो गया वो आपको 20 से 25% चाहिए रहेगी। जिप्सम आपको 5% चाहिए रहेगा और आपको जो इसके अंदर सीमेंट चाहिए रहेगा वो 8 से 12% सीमेंट चाहिए रहेगा। और भी आप इसके अंदर कुछ मिलाना चाहते हैं तो वो भी मिला सकते हैं 5 से 7%। दोस्तों ये तो हुआ रॉ मटेरियल जिसकी मदद से आप सीमेंट, ईंट का, इंटरलॉक का, ब्लॉक का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों बात करें हम इसके अंदर लेबर की, तो इस मशीन के द्वारा जो प्रोसेस होगा इसके अंदर 4 से 5 लेबर की आपको आवश्यकता पड़ेगी। मशीन को आपको 3 फेज से ऑपरेट करना होगा। दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अगर हम बात करें, इस मशीन के द्वारा आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओगे तो आपको वर्किंग डेज इसमें 365 दिन आप काम कर सकते हैं। मशीन को अगर हम ऑपरेट की बात करें तो 8 घंटे आप मशीन को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, आप चाहें तो उससे अधिक भी चला सकते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो फ्लाई ऐश के द्वारा जो ब्रिक्स बन करके तैयार होगी इसके अंदर आप 8 से 10 हज़ार सीमेंट ईंट बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर हम जगह की बात करें तो 1 एकड़ की आपको जगह की आवश्यकता होगी। अगर हम इसके अंदर पावर की बात करें, लाइट की, 3 फेज लाइट की इसके अंदर आवश्यकता रहेगी। अगर हम पानी की बात करें तो दोस्तों आपके यहाँ पर या आपके आसपास में बोरिंग का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर हम मशीन की बात करें, इस ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा आप पर डे 8 से 10 हज़ार इसके अंदर प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी बिज़नेस अगर आप शुरू करते हो तो आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, कौन सा आपको बिज़नेस करना है, आपके क्षेत्र में कौन सा चलेगा उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपने देखा कैसे ब्रिक्स बन करके तैयार हो रही है। इस ब्रिक्स की कॉस्ट आती है बनने की 3 से 3.5 रुपये में एक ब्रिक्स बन करके तैयार होती है। सब कुछ खर्चा निकालने के बाद हमने इसके अंदर लाइट खर्चा निकाल लिया, लेबर खर्चा निकाल लिया और भी जो खर्चे हैं वो निकालने के बाद एक ब्रिक्स बनेगी आपकी 3.5 रुपये में। जब आप इसे आगे सेल करोगे तो 5.5-6-7 रुपये में जाती है, लेकिन हम मानकर चलते हैं 5.5 रुपये में एक ब्रिक्स सेल हो रही है। तो आपको एक ब्रिक्स पर जो मुनाफा हो रहा है वो 2 रुपये का आपको मुनाफा हो रहा है। पर डे अगर आप 10 हज़ार ईंट भी बना रहे हैं तो आपको 20 हज़ार रुपये का मुनाफा हो रहा है। तो हमने एक एवरेज माना कि ये जो ब्रिक्स सेल हो रही है वो 5.5 रुपये की सेल हो रही है। दोस्तों आपको प्रॉफिट तो इसके अंदर पता चल गया, एक ब्रिक्स का हमने इसके अंदर जो मार्जिन रखा वो 2 रुपये का रखा। पर डे आपने अगर 10 हज़ार ब्रिक्स का निर्माण किया तो आपको 20 हज़ार रुपये का मुनाफा हुआ, लेकिन अगर आपने इसके अंदर 5 हज़ार सीमेंट ईंट भी बनाई तो 5 × 2 करेंगे तो 10 हज़ार का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों आपको प्रोडक्ट का, पहली बात आपको कोई सा भी अगर आप बिज़नेस करते हैं तो प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आप अपने ब्रिक्स, आप अपने बिज़नेस को और आगे पहुँचा सकते हो, जैसे सोशल मीडिया हो गया या आप चाहे तो दोस्तों आपके जो आसपास का क्षेत्र है, गाँव का क्षेत्र, वहाँ पर भी आप कुछ पोस्टर लगा करके अपना जो बिज़नेस कर रहे हैं उसका आप जो है एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता चल गया कि कस्टमर तक आपको कैसे पहुँचना है, आप सोशल मीडिया के थ्रू पहुँच सकते हैं या आप आपके क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में वहाँ पर आप बोर्ड लगवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो कुछ जो ठेकेदार होते हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कराने में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों अगर आपने बिज़नेस करने के बारे में सोचा है तो आप बिज़नेस ज़रूर शुरू करें, पूरी प्लानिंग के साथ स्टार्ट करें कि कैसे हमें करना है,
जगह हमारी अगर आपने किराए के लिए रखी है तो भी दोस्तों आप कर सकते हैं, आपकी खुद की है तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों इसके अधिक जानकारी के लिए डिस्प्ले पे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए, आप कॉल कीजिए और जानकारी लीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये बिज़नेस आपको कैसा लगा, या आपके मन में और कोई सवाल है और कोई बिज़नेस की आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये बिज़नेस आइडिया आपको कैसा लगा, आप कोई और बिज़नेस करना चाहते हैं, आपके मन में सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। किसी नए बिज़नेस की तलाश में तो भी आप हमें बताइए, हम आपके लिए वो जल्दी वीडियो बनाएंगे और बिज़नेस के बारे में हम आपको पूरा गाइड करेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप भी करना चाहते हैं, इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके मन में कोई भी सवाल हो वो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त का शेयर करें और ऐसी ही नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।